हेलो दोस्तों, हमें काफ़ी खुशी हो रही है ये जान के कि आपको सचिन सागा का शॉर्ट मैप्स का फीचर काफ़ी पसंद आ रहा है। ये एक वीडियो ट्यूटोरियल है नए सचिन सागा यूज़र्स के लिए और उन यूज़र्स के लिए भी जिन्हें ये शॉर्ट मैप्स का फीचर यूज़ करने में दिक्कत हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपके 5 बैटिंग शॉट्स के प्रीसेट ऑप्शंस है। सचिन के प्रीसेट में जो शॉट्स मैप्ड है वो केवल सचिन तेंदुलकर खेल सकते हैं इस गेम में, और जेनेरिक प्रीसेट में जो शॉट्स है वो बाकी प्लेयर्स खेल सकते हैं। आप बाय डिफ़ॉल्ट वाले मैप शॉट्स चेंज कर सकते हो अपने पसंदीदा शॉट्स पे, पर आपको ध्यान रखना होगा कि आप सेव एंड एग्जिट बटन ज़रूर दबाएं। जिन शॉट्स के सामने ये क्राउन साइन है, ये प्रीमियम शॉट्स है और ये आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आपको 3 दिनों का फ्री ट्रायल का ऑप्शन भी मिलता है। आप गेम खेलते टाइम भी ये प्रीसेट्स चेंज कर सकते हो। आपको बेसिकली इस फीचर से ऑप्शन मिलता है कि आप एक ही जॉयस्टिक सेटिंग पे अलग अलग टाइप के शॉट्स खेल पाओ, और आपको बार बार यही शॉट्स चेंज करने के लिए शॉट मैप्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फीचर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। यहाँ पे जेनेरिक प्रीसेट में मैं स्कूप शॉट सिलेक्ट करता हूँ, और प्रीमियम 1 प्रीसेट में सेम जॉयस्टिक सेटिंग पे मैं रिवर्स रैम सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं सेव एंड एग्जिट करके अपना गेम रेज्यूम करूँगा। अब यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा जेनेरिक सेटिंग ऑन है, तो अब मैं यहाँ पे अपने लॉफ्ट में स्कूप शॉट खेलने का ट्राई करूँगा। और यहाँ अगली गेंद के लिए मैं अपना प्रीसेट चेंज करूँगा जेनेरिक से प्रीमियम 1 पे, जहाँ पे हमने सेम लॉफ्ट के जॉयस्टिक सेटिंग पे रिवर्स रैम शॉट सेलेक्ट किया था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इस फीचर से बेसिकली आपको ऑप्शन मिलता है एक ही जॉयस्टिक सेटिंग पे अलग अलग टाइप के शॉट्स खेलने का, जो आप लास्ट मोमेंट पर भी चेंज कर सकते हो। शॉर्ट मैप्स फीचर में आपको एक कॉपी बटन भी दिया गया है। इससे बेसिकली आप एक पर्टिकुलर प्रीसेट से सारे शॉट्स एक ही टाइम पे दूसरे प्रीसेट्स में कॉपी कर सकते हो। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जेनेरिक प्रीसेट में कुछ बाय डिफॉल्ट शॉट्स चेंज करने का ट्राई करता हूँ। पहले मैं यहाँ स्ट्रोक में एक एडवांस्ड ऑन ड्राइव, एक पिकअप शॉट और एक एडवांस्ड ऑफ ड्राइव। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि मैंने जो भी चेंजेस डिफॉल्ट शॉट्स में जेनेरिक प्रीसेट में किए हैं वो शॉट्स मुझे मेरे प्रीमियम 2 प्रीसेट में मिल जाए। उसके लिए जेनेरिक में शॉट्स चेंज करने के बाद मुझे कॉपी पे सेलेक्ट करना होगा और प्रीमियम 2 प्रीसेट में सेलेक्ट करना होगा, जिसमें मुझे सारे शॉट्स कॉपी करने हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमने शॉट्स चेंज किए थे जेनेरिक प्रीसेट में, वो तीनों शॉट्स अभी हम यहाँ पे प्रीमियम 2 प्रीसेट में देख सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगी। अगर शॉर्ट्स मैप के ऊपर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप यहाँ नीचे कमेंट करें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।